सतरीकाल जी। सतरीकाल सरदार जी, कहाँ से हैं? फाजिलका से, पंजाब से। पंजाब से जी, हाँ। तो ये मामला कितने दिन के लिए अब आप ये उठा के चल पड़े? इसके तो कुछ समय नहीं है, जब तक हमारी मांगे पूरी, हाँ हाँ, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती जी। अगर आप ठीक समझे तो हम पंजाबी में बात कर सकते हैं। हाँ जी, कोई दिक्कत, कोई गल ना। जिन्ना जेकर साडियां मांगा पूरियां नहीं होंदियां, जेड़े काले कानून गवर्नमेंट लेके आई है उन्हां नूं वापस नहीं लैंदी, उन्हां जेकर असीं दिल्लियों वापस नहीं जाना, सारा पंजाब हरियाणा खास करके होर हिंदुस्तान के सूबों के विचों सारे किसानों ने आना है, ते आई जाते हैं, ते इन्हां दा अणमिथे समय लई ये सारा संघर्ष चलना है। आ सारे दोस्त खड़े आ, तुसीं देखी जाने हो, इस खट्टर गवर्नमेंट दियां जिहड़ियां ये कोझियां हरकतां हैगियां, जिवें कि इन्होंने रस्ते ब्लॉक किए, रात खुले सीगे, जदे सवेरे इन्हां नूं पता लग्या भी संघर्ष करन वास्ते आई जाते हैं किसान, तो इन्होंने फिर कोई बजरी कोई होर कई किस्म दी रुकावटां कीतियां जिहड़ियां कि असीं ये रुकावटां रहन नहीं देनियां, क्यों सारे किसानों का एकता है, तो एकते दे विच बल हैगा, तो असीं किवें ना किवें हर हालत दे विच दिल्ली पहुँचना ही पहुँचना, तो जाके आप दियां मंगां मनवाउणियां ही मनवाउणियां। असीं फाजिलका तों, फिरोजपुर तों, होर सारे पंजाब दे विचों आए हैं, ते असीं लगातार ये चाहते हैं कि ये कानून खत्म हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ। ये इसमें कोई संशोधन चाहते हैं? नहीं 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 नहीं, संशोधन वाली बात ही नहीं है कोई। अच्छा, ये बिल्कुल ही हमारे खिलाफ है और हम इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करते। जब तक ये वापस नहीं लेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये बात इनसे कीजिए। यही बात है जी। हाँ जी, जब तक ये कानून या वापस नहीं लेंगे, जब तक यहीं रहेंगे दिल्ली में। अच्छा, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अच्छा, दो महीने चार महीने सरदार जी, सत्यकाल, दो महीने चार महीने अगर मांगे नहीं मानी फिर क्या रहेगा? चाहे दो साल लग जाए, पूरी सरकार का टाइम बीत जाए, असी बिल्कुल दिल्ली जी मौजूद रहेंगे, क्योंकि साडा ये पहली पार्टी है सिर्फ, और पिछे सारे लोग जो बिजाई का समा है वारी वारी चल रहे ने, साडे अनलिमिटेड आ, जिनी देर तक साडी ये मंगा जिहड़ा काले कानून वापस नहीं लै जाएंगे असी बिल्कुल दिल्ली नहीं छड़ के जावांगे, अनलिमिटेड टाइम है साडा, और बिल्कुल असी घर बार दे विचों सारा प्रबंध आपका करके तुरे हाँ, साढ़े को खाने लिए राशन भी आ, और सानू यह भी पता कि साढ़े गुआंढी सूबे स्टेटा ने जो साथ कर रहे हैं, तो किसी भी किस्म की सानू कोई दिक्कत नहीं, ना तो असं पैसे तो किसी की मतलब महसूस करते हैं, ना सानू समय की परवाह, सिर्फ साड़ी अखीरली मांग है कि जिन्ना चिर ये कानून वापस नहीं लेंदा उन्ना चिर वापस नहीं जावे। दिल्ली छड़ के अब दो महीने चार महीने वहाँ पे रहोगे, आप साल रहोगे मान लीजिए, तो कोई उपद्रव होने के कितने प्रतिशत चांस है? असी बिल्कुल शांतिपूर्वक रहना है, शांतिपूर्वक, साडा कोई मसला नहीं कि असी किसी प्रॉपर्टी नुकसान पहुंचाइए, किसी का नहीं झगड़ा, साडा किसी पब्लिक ना झगड़ा नहीं, ये प्रॉपर्टी साडी अपनी है, इंडिया की प्रॉपर्टी जी साड़ी अपनी लोगों की आ, ये किसी की नहीं, बिल्कुल भी साढ़े लोग जोड़े किसान ने होर जथेबंदियों ने बिल्कुल शांतिपूर्वक रह के अपन मंगा मनवाणगे, और सू 100% उम्मीद है कि साड़ी मंगा मनिया जाएंगे। अगर वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है असं नहीं करा, किस तरीके से आप निपटेंगे? कौन करेगा? सरकार करके तो उसकी मर्जी है। हाँ, असी नहीं कुछ कहेंगे। वैसे अभी देखो पुलिस प्रशासन भी था, फौजी भाई भी थे, हम भी थे, आप भी थे, तो कोई झगड़ा नहीं हुआ निकल गए? देखो जी, जिन्हें भी फौजी ने पुलिस डिपार्टमेंट या जो होर डिपार्टमेंट ने है तो साढ़े किसान भरावां दे, कोई बगाने नहीं, ये साडा एक किसानों का नहीं, सारे ही समाज का मसला है, सारे हिंदुस्तान का मसला है, इस काले कानून नाल सारे ही लोग बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि जिहड़ा मोदी है वो कुछ पूंजीपति घरानियां नाल उहदा लिंक आ, उन्होंने सारा कोई वेचना चाहता, तुसीं देख रहे हो मीडिया वाले, साढ़े ज़्यादा पता है कि हर चीज़ में जी फायदेमंद भी आ, वड्डियां वड्डियां कंपनियां इत्थों तक रेल भी मतलब भी बेच रहा है, एयरपोर्ट बेच रहा है, लेकिन शांति नाल करेंगे, बिल्कुल शांतिपूर्ण। और आपको भी साथ में बेनती है भी आप भी हमारा इसी तरह साथ देते रहिए, हम आपके धन्यवादी होंगे जी जी। और हमारी बात सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचाएं भी, हमारी मुश्किलें दूर करें, नहीं तो हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं जी जी। सानू वड्डे मीडिया ते खास करके मतलब इस चीज़ का गिला है कि जिहड़ा नैशनल मीडिया है वो कवर नहीं कर रही, सिर्फ वो सरकार पक्की है, पब्लिक पक्की नहीं, पर उन्होंने आने वाले समय च बड़ी मुश्किल देखनी पड़ेगी। थैंक यू सर जी, थैंक यू। तो भाई ये है यहाँ पर मेरे किसानों का कहना कि चाहे महीना लग जाए, दो महीना लग जाए, छः महीने, साल, यहाँ पे कोई दंगा नहीं होगा, प्यार नाल काम होगा।
अब गांधीगिरी कितने दिन चलेगी, कितने दिन नहीं चलेगी, गांधीगिरी कितनी सक्सेस होगी देखते हैं अभी तो। और जी अब और कितनी लंबी वीडियो बनाएं, कितनी बातें यहाँ पे करें। अब यहाँ पे बस भी है, चलो जी बस नाल चलेंगे, बस ना पूछेंगे क्या कुछ सामान लाए, क्या क्या कुछ है यहाँ पे, खाने पीने का प्रबंध कितना किया है। सी वैसे मैंने पंजाबी थोड़ी कमा, फिर भी काफ़ी दिन हो गए आप कवर करते ना। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। और जी कैसे हैं जी आप? ठीक है जी बिल्कुल। अच्छा बस ही ले ली आपने तो लोग ट्रैक्टर ट्रालियाँ चले जुड़ के चले। ट्रैक्टर ट्राली भी हमारी आ गई है, बस के बच्चे जाने दी आए हैं अभी तो थोड़ा जा, मतलब जंग मैन भी है बंदोबस्त करने के लिए, जो थोड़ा जा बुजुर्ग बंदे भी है जिन्हें तो कुछ रहा सिलेंडर सब कुछ है साढ़े को, एक ट्राली भी है अगे। अरे कितने दिन का खाना पीना ले लिया आपने? 6 महीने का राशन हमारे पास है। 6 महीने का दिमाग में कैसे, क्या 6 महीने से पहले सरकार जागेगी नहीं? पता सानू मोदी का और भैया बहुत अड़ी वाला है, प्यार नाल नहीं मानेंगे, प्यार नाल नहीं मानेगा है, उंगली सीधी नाल क्या होनी निकलेगा, टेढ़ी करनी पड़ेगी। हम मन बना के आए हैं एक साल का, एक साल संघर्ष लड़ेंगे दिल्ली में, कुछ भी हो जाए, जो काले कानून पास किए हैं उनको जब तक मोदी सरकार वापस नहीं करती हम जाएंगे नहीं। और आपके माध्यम से हम निखेधी करते हैं, हरियाणा में जो खट्टर सरकार ने 12 जगह पर मिट्टी के टिल्ले लगाकर, टिप्पर लगाकर, बड़े बड़े पत्थर लगाकर, जी अभी मैंने भी देखा ये, हाँ वो पत्थर लगाकर पंजाब के किसानों को रोकने की कोशिश की है, पर पंजाब का किसान रुकेगा नहीं। और इन्होंने माड़े प्रबंध ने, जो भिवानी के भिवानी जिले में इनके माड़े प्रबंध ने, हमारे एक किसान तन्ना सिंह जो जंग मैन था 35 साल आजू थी उसकी, और उसकी जान ले ली, और उसका हमने विरोध किया वहाँ पर 5 घंटे लगे, और वहाँ पर हमने जो समझौता हुआ हरियाणा सरकार के साथ 20 लाख रुपया उसका कर्जा माफ, और ट्रैक्टर का जो नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई, और उसके हाँ वो सारी सरकार ने की है, और हम पूरा मन बना के चले हैं दिल्ली को, और ये सोच के चले हैं भी हमारी जमीन माँ है, अगर मोदी सरकार हमारी माँ को खो के अडानियों के हवाले करेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आर पार की लड़ाई है, आर पार की, लेकिन आर पार की लड़ाई का मतलब तो कुछ दिमाग में यूं जाओ वहाँ पे, जैसे जाते ही दंगा होगा, फसाद होगा, कभी आगजनी हो जाए, ऐसा कुछ प्लान करके? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम वो शांतमय किसान है, 1 अक्टूबर से लेकर पंजाब में संघर्ष कर रहे हैं, और किसी भी सरकारी संपत्ति का हमने एक फूल नहीं तोड़ा, एक फूल तक नहीं तोड़ा, और ना ही तोड़ेंगे। और सरकार जो ब्योतबंदी के साथ जो भड़काहट वाली बात है वो कर रही है सरकार, हम रोक रहे हैं, हमारे साथ नौजवान है और उनको भी हमने रोक के रखा है, भी ये बात हमने नहीं करनी, हमने सिर्फ अपनी माँ को बचाना है जो जमीन खोलने की तैयारी कर रही है, उसको बचाना है, हमारा लक्ष्य ये है। क्या बात है, देखो कितने दिन से खुद भी आंदोलन करके चल रहे हैं, आज तक कोई भी सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं किया, उसको अपनी ही माने, खैर है अभी हमारी, ये बहुत प्यार नाल बात है जी। कुछ कहना चाहोगे सर जी? अच्छा 58 दिन हो गए सानू इस काम च, दिन रात टेसन प्लाज पेट्रोल पंप भाजपा का घरों साडा करया है लगातार पिछे, हुण भी चली जांदा ते चली जाऊगा, वो भी साडे उमज प्रबंध हैगे आ, जिथे पहला चलदे ना करो 150 ताईं पंजाब दे विच उसे ही चलेगा, कुछ भी हो जाए जान देनी पवे सानू, कोई डिक्का नहीं असीं बात करदे। बताओ सर जी आप पंजाब से आए हैं, पंजाब में कहां से आए हैं? बठिंडा जिला रामपुरा फूल के पिंड बुग्गर जेठू का। वहां के मुख्यमंत्री है वो किसानों के बारे में कितना सोच रहे हैं, अच्छा या बुरा? ओह कोई बड़ा बढ़िया नहीं सोच रहा, कलियां वोटां नहीं रुट रहा, सारी पार्टियां सेक रहे हैं अंदर, कोई मदद नहीं करते, मतलब ऐसा नहीं कि खट्टर अच्छा माड़ा है तो वो सब एक है, सब एक है, सब एक है। हाँ जी क्या करते हैं? जो 1947 से लेकर जी जो भी हिंदुस्तान के हिंदुस्तान की सरकारें बनी है और स्टेटों की सरकारें बनी है, सब ने किसान और मजदूर का, मेहनत का, लोगों का शोषण किया है, अब भी जारी है। और आपने बात की है भी पंजाब में कैप्टन सरकार है, कांग्रेस सरकार है, पता नहीं क्या आशा कर रही होगी, नहीं, पंजाब की जो वोट बटोरू पार्टियां है वो भी 2022 को लेकर किसान के ऊपर मगरमच्छ के हंजू बहा रही ने, और उनके अपने हाथी की तरह खाने के दांत और है, दिखाने के और है। और ये बात हम पूरे मतलब आपके माध्यम से पूरे एक ठोक के कह रहे हैं भी किसान का भला होगा तो इस एजिटेशन से होगा, किसान जथेबंदियों के जरिए होगा, वोट पार्टियां उनका भला नहीं कर सकती।
चाहे कोई सी पार्टी आम आदमी है किसान या कांग्रेस है या भाजपा कोई भी भला नहीं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अब तक केजरीवाल का मुंह नहीं खुला और केजरीवाल ने जे नहीं कहा कि हम आओगे पंजाब के किसान हम उसका स्वागत करेंगे। पंजाब में 2022 में सरकार बनाने के सपने ले रही है ये सब सियासी पार्टियां एक ही बते एक ही थैले की चट्टी बट्टी है। मतलब किसानों के ऊपर रोटियां सिकती हैं, सब रोटी सेक रही है किसानों के ऊपर। अच्छा सरदार जी एक पॉइंट है, एक मेरा प्रश्न है कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं हरियाणा पंजाब के किसान आज इकट्ठे भी हो गए, लेकिन क्या पंजाब पानी देने को तैयार है हरियाणा किसानों को, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये बड़ा प्रश्न है, शायद बड़ा मतलब डूंगा प्रश्न आपने किया है। हम कभी भी जी ये लड़ाई हम जीते चाहे हारे जी, लेकिन पंजाब के किसान हरियाणा का पानी बंद नहीं करेंगे, क्योंकि जो हरियाणा में बचते हैं वो भी हमारे किसान भाई है जी। जो यूपी में बचते हैं वो भी हमारे किसान भाई है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में पंजाब से जो भी चीज जा रही है हम उसको कभी भी बंद नहीं करेंगे। हमारा भाईचार किसान जो हम तोड़ेंगे नहीं, उसको आगे बढ़ाएंगे और उनको साथ लेकर संघर्ष करेंगे, हारेंगे फिर संघर्ष करेंगे, जब तक जीतते नहीं हम संघर्ष करेंगे और ऐसी बात हम भाईचार किसान तोड़ने वाली कभी नहीं करेंगे। राजस्थान को भी पानी दे रहे हैं वीरे जी, जी जी जी, राजस्थान को भी फ्री पानी दे रहे हैं, कभी आंदोलन किया? सही बात है, सही बात है। तो भाई आज बड़ा मजा आया यहाँ पे बात करके मेरे भाइयों से, किसान खैर मेरे तो बड़े पिता तुल्य हैं, और धन्यवाद जी आपका। जो बोले सोनिहाल, सत्रीकाल। ये जगदीप शर्मा दे नाम का चैनल है जी, ठीक है। तो भाई यहाँ पे मजा आया बात करके और बड़ा अच्छे भाईचारे वाली गली थे लगी मैनू, पर यार मैंने पंजाबी थोड़ी कम आवा यार। तो भाई आम जनता अब इस बारे में क्या सोचा है, क्या कवा है, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में चाहूँगा मैं अपनी राय जरूर दे दें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय हो।